Five cents. Percents कौन लिया वैसे? Percents, percents क्या होते हैं? Trustee. Yes. बोलो पर्सन क्या होते हैं? ट्रस्टी. अनन्या पर्सन्स क्या होते हैं? कोई बताएगा पर्सन्स क्या होते हैं? अच्छा पढ़ा है मैथ्स में पर्सन्स? यस सर. फाइंडिंग रिलेशन बिटवीन टू सेट्स. क्या क्या y is equal to the it acts as a machine in which we get the we give input and we get output. If we give input x we get output y. In fact this is black box. Ye black box se behavior kar raha hai aur isko jo likhte hain y is equal to x. X mein hum log ne koi operation kiya और आपको लेकिन अगर इसी की बजाय तुम लोग इस टाइप का एक्सप्रेशन देखो इस टाइप का इसमें और इस बाकी फंक्शन में डिफरेंस है. e की पावर x कंटीन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है, तो x प्लस e कंटीन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है. यहाँ पे डिक्रीज भी कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, पता अलग अलग वैल्यू है. यहाँ पे वाला फंक्शन कुछ ऐसा फंक्शन पड़ा सिग्नम x. यस सर. Yes, sir. Yes, sir. Step x. Step x क्या है? Step और signum. Step और signum function. Yes, sir. अच्छा sin x की बात करो. Sin x. Sin x cos x से एक्सो बने. इनमें इन दोनों को एक कैटेगरी में डाल दो और बाकी फंक्शन में क्या डिफरेंस? बाकी फंक्शन में क्या डिफरेंस? बाकी फंक्शन में ये डिफरेंस है कि ये जो फंक्शन है लगातार अपनी वैल्यू चेंज कर रहे हैं. ये फंक्शन लगातार अपनी वैल्यू चेंज कर रहे हैं जबकि ये वाला जो फंक्शन है ये चेंज तो कर रहा है बट आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल इसकी वैल्यू रिपीट. इसे देखो आफ्टर ए सर्टेन पीरियड इसकी वैल्यू रिपीट हो रही है. cos x cos x cos x cos x भी sin x की तरह इसमें भी देखो अलग वैल्यू है बट एक पीरियड के बाद एक इंटरवल के बाद इसकी वैल्यू रिपीट कर रहे हैं. ऐसे फंक्शन जो अपनी वैल्यू रिपीट करते हैं उनको बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन. पता है सबको? yes, क्या sir. बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन. पीरियोडिक फंक्शन यहाँ पे लिखना होगा, मैं बता दूंगा पीरियोडिक फंक्शन. अब पीरियोडिक फंक्शन जिस इंटरवल के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करते हैं जिस इंटरवल के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करते हैं उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड. जिस इंटरवल के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करें वो टाइम पीरियड. ठीक. जैसे अगर मेरा किसी फंक्शन का मान मेरे पास एक फंक्शन y इक्वल टू x तो अगर मैं इसमें टाइम पीरियड की जोड़ दूं तो टाइम पीरियड के बाद वो वही वैल्यू देगा जो पहले देगा. टाइम पीरियड के बाद वही वैल्यू थोड़ा से बोलिए सर. सर थोड़ा आराम से बोलिए सर. जैसे सर 2x में चल रहा है सर, क्योंकि सर आवाज बहुत ज्यादा वाइब्रेट करके आ रही है आपकी. अच्छा आवाज वाइब्रेट तो बहुत ज्यादा लग रहा है, आप बहुत तेज बोल रहे हैं. अच्छा हाँ सर, पॉसिबल है तो आप एयरफोन्स यूज कर सकते तो वही कर लीजिए. हाँ ऊपर से लगा दीजिए सर. इको हो रहा है बहुत आपका वॉइस. इको बहुत ज्यादा है और हॉल में मैं क्लास तो बहुत बड़ा है तो खाली होता है क्योंकि तो आवाज इको करती है क्लास जिससे बड़ा हो तो ओपन रूम. हाँ तो इसीलिए तो कह रहे हैं हेडफोन लगा लीजिए. हेडफोन एक्चुअली अभी नहीं है पास. चलो मैं धीमे फिर लगा लीजिए सर.
बोलता हाँ ठीक है, कुछ भी करिए सर। के बाद वैल्यू रिपीट होती है तो हम उसको बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। जहां पे टाइम डिले इस टाइप से लिख सकते हैं। अब इन सब का मैथमेटिक्स का फिजिक्स के साथ क्या रिलेशन है? तो क्या हम लोगों ने क्लास 11 में पीरियोडिक मोशन पढ़ा था? पीरियोडिक फंक्शन में जो मैथमेटिकली हो गया पीरियोडिक मोशन को क्या है? ऐसे मोशन जो अपने आप को बार बार रिपीट कर, ऐसे मोशन को बार बार रिपीट करते हैं, जैसे अर्थ सन के अबाउट घूम रहा है बार बार उसी टाइम पीरियड के बाद वापस आ रहा है, जैसे कि स्प्रिंग मास सिस्टम बार बार एक टाइम पीरियड के बाद अपने मोशन को रिपीट कर रहा है, जैसे कि पेंडुलम, पेंडुलम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद अपने मोशन को रिपीट कर रहा है। इस टाइप के मोशन पीरियोडिक मोशन होते हैं। पीरियोडिक मोशन इज एनी मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। इवन हैलीज कॉमेट सुना होगा, हर 75-76 साल बाद फिर अर्थ के पास आता है, अर्थ के पास आता है और फिर इलिप्टिकल ऑर्बिट में चल रहा है, फिर 76 ईयर के बाद दोबारा आएगा, वो भी एक पीरियोडिक मोशन। एनी मोशन विच रिपीट इटसेल्फ, मैं एक बॉल लू, बॉल को मैं बाउंस करूं, फ्लोर पे जाए टकराए बाउंस होकर वापस, इसी टाइप का पीरियोडिक मोशन दिया था SHM। यस सर। सिंपल हार्मोनिक। हाँ सर। यस सर। क्या ऐसा कुछ किया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऐसा मोशन होता है जहां पे अपने आप में मीन पोजीशन के टू एंड टू चला रहा है, मीन पोजीशन के टू एंड टू चला रहा है और पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स F=kx, टू बी प्रेसाइज F=-kx, ऐसे F=-kx चला रहा है। मोशन को रिपीट करेगा, तो उसको जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पूरी चीज ओमेगा टी प्लस वाई के लाती थी, पूरी चीज ओमेगा टी प्लस वाई के लाती थी फेज, साइन के भीतर जो एंगल आता था वो फेज के लाता, पाई का रास्ता था इनिशियल फेज, ओमेगा का रास्ता थी एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिससे टाइम पीरियड का रिलेशन होता था टू पाई बाय ओमेगा। याद है तो ठीक, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, भूल जाओ, मैं इसकी सारी चीज दोबारा कराऊंगा, बट मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पीरियोडिक मोशन है, एसएनजीएम भी एक टाइप का पीरियोडिक मोशन है, देन यू नीड पीरियोडिक कांसेप्ट टू रिप्रेजेंट दैट। पीरियोडिक मोशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए पीरियोडिक फंक्शंस चाहिए होते हैं, जैसे कि तुम्हारा साइन का कॉस का फंक्शन, इस टाइप के फंक्शंस जो अपनी वैल्यू को मैथमेटिकली ग्राफिकली रिपीट कर रहे हैं, अगर वो किसी पार्टिकल का मोशन रिप्रेजेंट करेंगे तो उनका मोशन भी रिपीटेटिव होगा, वाइस वर्सा अगर किसी पार्टिकल का मोशन रिपीटेटिव है, बार बार अपने पाथ को रिपीट कर रहा है, बार बार अपनी वेलोसिटी एक्सेलरेशन या और कोई काइनेमेटिक वेरिएबल रिपीट कर रहा है, तो मैथमेटिकली अगर तुम उसका फंक्शन बनाओगे तो वो फंक्शन भी रिपीटेटिव पीरियोडिक नेचर का होगा, जैसा कि यहाँ पे ये वाई साइन ओमेगा टी प्लस वाई लिखा होगा। अब मैं पीरियोडिक फंक्शन में नेक्स्ट चीज
सिंपलेस्ट पीरियोडिक फंक्शन, सबसे सिंपलेस्ट पीरियोडिक फंक्शन जो लोगों ने अभी तक डील किया है, कौन सा है सबसे सिंपलेस्ट पीरियोडिक फंक्शन? सुहानी, साइन, सबसे सिंपलेस्ट पीरियोडिक फंक्शन साइन सर, ऑसिलेशन, कौन सा ऑसिलेशन? ऑसिलेशन में नाम पूछ रहा था, सबसे सिंपलेस्ट पीरियोडिक फंक्शन SHM. Yes, sir. Why is equal to the next process सबसे simplest periodic function है? इनको अपने नाम दे रहे हैं. I hope you know पता होगा. Sinusoidal function सबसे simplest periodic function. Sinusoidal function सबसे simplest periodic function. Why is equal to sin x? Why is equal to sin x? सबको पता है साइन जीरो की वैल्यू जीरो, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे साइन एक्स है, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, साइन 90 की वैल्यू वन, साइन 180 की वैल्यू जीरो, साइन 270 की वैल्यू माइनस वन, साइन 25, साइन 360 जीरो, एंड अगेन वैल्यू जीरो, अगेन वैल्यू जीरो, सबको पता है yes. तो जितने इंटरवल के बाद, जितने इंटरवल के बाद बिल्कुल भी ग्राफ का पैटर्न रिपीट है, ये पूरा पैटर्न फिर रिपीट, कितने के बाद रिपीट हो रहा है? 90 के बाद, 180 के बाद, 270 के बाद, 360 के बाद, ऑब्वियसली 360 डिग्री या 2π रेडियन के बाद yes. तो हम बोलते हैं वाई इज इक्वल टू साइन एक्स का टाइम पीरियड 2π. अच्छा ये बताओ ये वैल्यू जीरो थी साइन जीरो, साइन 90 में ये वैल्यू वन, साइन 180 जीरो है, 3π/2 माइनस वन है, फिर 2π का फिर जीरो, यानी कि साइन की अगर तुम वैल्यू देखो जीरो से स्टार्ट किया था, मैक्सिमम जीरो से प्लस वन जा रही है, फिर प्लस वन से फिर जीरो पे वापस आ रही है, फिर जीरो से माइनस वन जा रही है, और फिर माइनस वन से जीरो वन से ज्यादा नहीं होती साइन एक्स कॉस एक्स, तुमको पता है वन से ज्यादा नहीं होती साइन ऑफ कॉस की वैल्यू. तो अगर साइन ऑफ कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू बन रही है तो कि मीन से जितना मैक्सिमम गैप रखे उसको एक नया नाम दे दें एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम गैप, मैक्सिमम इंटरवल फ्रॉम द मीन पोजीशन. मीन पोजीशन जो कि जीरो होती थी उससे मैक्सिमम गैप बनता जा रहा है, इसलिए y इक्वल टू साइन एक्स का एम्पलीट्यूड वन. y इक्वल टू साइन एक्स का एम्पलीट्यूड कितना? वन. सिंपल सी बात, y इक्वल टू साइन एक्स का एम्पलीट्यूड कितना? वन. टाइम पीरियड 2π, टाइम पीरियड 2π, एम्पलीट्यूड कितना? 1. ठीक, क्या बस सबको बता, आगे बढ़ते हैं, लिखने की जरूरत नहीं, कुछ लिखना अपना भी है सर. हाँ हाँ बोलो, कुछ लिखना नहीं है जो सर आप बोल रहे हैं? नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें आई थिंक तुम लोगों को पता होगी, मैथमेटिक्स में पंसर पड़ा वाई इक्वल टू साइन एक्स, तो सब लोग इससे जहां पे मुझे लगेगा कि कोई नई चीज है वहां पे मैं तुम लोगों को बता दूंगा. ठीक है सर, ठीक है. y इक्वल टू मानो 2 sin x, y इक्वल टू 2 sin x, तो क्या फर्क है? y इक्वल टू 2 sin x होता तो जीरो पे तो जीरो भी नहीं देता, 90 डिग्री पे sin 90 की वैल्यू 1, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड है, इसलिए जहाँ पे 1 की वैल्यू आ रही थी वहाँ पे 2 की वैल्यू है. यस, और 80 पे साइन 180 जीरो, जीरो की जीरो अगेन, 370 पे 3π/2 पे
जहां पे माइनस वन देता था उसे मल्टीप्लाई होगा अगले वैल्यू देगा माइनस टू। टू पाई पे जहां पे जीरो से ले रहा था अगेन जीरो देगा और उसके बाद वैल्यू देगा। तो देखो y इक्वल टू टू साइन एक्स करने में अभी भी टाइम पीरियड चेंज नहीं, अभी भी टाइम पीरियड टू पाई ही, अभी भी टाइम पाई ही, टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं। अगर किसी चीज में चेंज है तो वो चेंज है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड जो वन होता था वो एम्पलीट्यूड ऑफ टू, जो मैक्सिमम वैल्यू वन तक जाती थी वो मैक्सिमम वैल्यू टू तक जाती है। अब अगर y इक्वल टू 3 साइन 4 साइन x 10 साइन x तो बोलो इसके बारे में हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? टाइम पीरियड सेम रहेगा, एम्पलीट्यूड 10 हो जाएगी। टाइम पीरियड सेम रहेगा y इक्वल टू 10, अगर हम बोले y इक्वल टू a साइन t, y इक्वल टू a साइन t, यहां पे x के लिए t समझ लो, तो टाइम पीरियड y है एम्पलीट्यूड a, मान लो हमको y इक्वल टू साइन है ठीक है, sin 90 प्लस थीटा cos थीटा होता वो छोड़ो मुझे नहीं, मान लो मैं पाई बाय कितना करता, पाई बाय 3 कर देता, पाई बाय 4 कर देता, 3 पाई बाय 4 कर देता, एनी रैंडम एंगल ले लेता, तो क्या करते हैं? x की वैल्यू होते आते y के बराबर आते, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0 नहीं है, क्योंकि x 0 रखोगे तो y इक्वल टू sin 90 जीरो पे वैल्यू आएगी। और आगे बढ़ते हैं, 90 रखते हैं, 90 रखेंगे तो साइन 90 की वैल्यू देंगे, 90 प्लस 90 180, साइन 180 की वैल्यू जीरो, जीरो। 270 रखेंगे, 180 रख लेते पहले, 180 रखेंगे तो 180 प्लस 90, अब 180 की वैल्यू नहीं आएगी, 180 प्लस 90 नहीं 270 की वैल्यू आएगी, 270 की वैल्यू माइनस 270 रखेंगे तो 270 प्लस 90 360 की वैल्यू आएगी, ये 270। जब हम 360 प्लस 90 रखेंगे, जब हम 360 रखेंगे तो आएगा 360 प्लस 90, 360 प्लस 90, 360 के बाद का एंगल रिपीट करते हैं, sin 360 प्लस 90 sin 90, sin 90 की वैल्यू 1, फिर वैल्यू 3 टू बन जाता है। और अगर उसको पीछे बढ़ाओगे तो ये साइड हो जाएगा, अब तो ओरिजिनल जो साइन कंसर्न था और इस साइन कंसर्न में डिफरेंस क्या है? एम्पलीट्यूड इसका भी वन था, इसका भी एम्पलीट्यूड वन है, तो इसका भी एम्पलीट्यूड वन है। जब तुम साइन के ब्रैकेट के भीतर यानी कि जो साइन की भीतर क्या है, साइन भीतर में भी इस एंगल में कोई चेंज आता है, जैसे तुमने यहां पे प्लस का वैल्यू लिखा तो इससे एम्पलीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ता, एम्पलीट्यूड अनचेंज रहता है, एम्पलीट्यूड वही रहता है। फर्क किस पे पड़ता है? ये ग्राफ और ये ग्राफ देखने में बिल्कुल एक ही जैसे, मैंने खाली छोटा वाला रख दिया है, सिर्फ और सिर्फ इस चीज का डिफरेंस है कि ये ग्राफ जीरो से स्टार्ट हो रहा था और ये ग्राफ कुछ आगे से स्टार्ट हो रहा है। इसी ग्राफ को पकड़ो, पकड़ के ऐसे शिफ्ट करो, खींचो, और मैं अगर तुमको बोल दूं कि एंगल को आज के बाद का फेज बोला, टाइम का जो एंगल है उसको फेज बोला, तो बोला करो फेज, तो बोला करो मीन जीरो डिग्री मतलब जीरो मीन पोजीशन, साइन 90 की वैल्यू 1 यानी कि पार्टिकल अपनी वे बिल्कुल पीक फेज पे पहुंच गया है, एम्पलीट्यूड पे पहुंच गया, 180 डिग्री भी यहीं पे आएगा, लेकिन 180 डिग्री और जीरो में डिफरेंस क्या है कि जीरो पे आगे जा रहा था राइटवर्ड, 180 पे लेफ्ट पे आ रहा है, फेज डिफरेंस है 180 जीरो में, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है और 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है बिल्कुल अपोजिट, जो हमसे बिल्कुल अपोजिट चले उल्टा चले उसको बोलते हैं 180 डिग्री का फेज डिफरेंस। ये देखो ये साइन ये और ये दोनों में 180 का डिफरेंस है, ग्रेट प्लस और माइनस बिल्कुल वही है, इक्वल एंड अपोजिट को फिजिक्स में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस बोलते हैं, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होना मतलब अपोजिट चले। अच्छा यहां पे कितने का फेज डिफरेंस है?
एंगल को फेस को फेस का रिलेशन बताता है, अगर 270 होता तो यहां पे होता -90 होता, यानी कि लेफ्ट वाले एक्सट्रीम पे होता, तो 360 पे यानी कि 360 पे जो होगा इसके बाद फेस रिपीट करते हैं। फेस एक एंगल होता है जो 360 का, जो उसकी फेस होता है ना, लाइफ की फेस है, बचपन है, चाइल्डहुड है, एडल्ट है, ओल्ड एज है, तो वैसे ये देखो यहां से स्टार्ट करो, ये इसकी फेस, फेस मतलब एंगल, जो उसकी पोजीशन को इनडायरेक्टली बताने का एक तरीका है। फेस किसी पार्टिकल की पोजीशन को बताने का एक इनडायरेक्ट तरीका है साइनोसॉइडल फंक्शन के लिए, साइनोकॉस के लिए। अब यहां पे क्या हो रहा है, अब तक जो हम कर रहे थे वाई स्क्वायर की डिग्री है से वाई स्क्वायर की फेस सर फेज डिफरेंस फिर से बता दीजिए। फेज चेंज नहीं कर रहे थे, खाली एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। लेकिन जब तुम यहाँ पे एक्स प्लस वाई कर रहे हो तो देखो ग्राफ में फेज चेंज हो रहे हैं, जहां पे पहले जीरो हुआ करता था अब वहां पे 90 डिग्री वाली वैल्यू आ रही है, मैक्सिमम आ रही है, जहां पे 90 वाली वैल्यू आती थी अब वहां पे जीरो आ रहा है। इस ग्राफ को पकड़ के खींचो, इतना खींचो जिससे ये ग्राफ मिल जाए, तो तुम देखो इसको इधर खींचना पड़ेगा, लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ खींचना पड़ेगा, और लेफ्ट की तरफ पाई बाय 2 की शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, पाई बाय 2 की शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। इसको तुम चाहे फेस शिफ्ट बोल दो, चाहे फेस चेंज बोल दो, चाहे फेस डिफरेंस बोल दो, तीनों का मतलब सेम है। फेस शिफ्ट भी वही होता है, फेस डिफरेंस भी वही होता है, फेस चेंज भी वही होता है, और सबका मतलब होता है कि एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं आया, खाली ग्राफ अपनी वैल्यूज शिफ्ट कर गया। जैसे यहाँ पे 90 डिग्री, और 90 डिग्री में फेज शिफ्ट का मतलब क्या है, 90 डिग्री में फेज शिफ्ट का मतलब क्या है कि जब मिनिमम का पहला फंक्शन तो दूसरा अपने मैक्सिमम पे, जब पहला अपने मैक्सिमम पे है तो दूसरा अपने मिनिमम पे, तो ये जो मैक्सिमम मिनिमम वाला रिलेशन होता है, एक मैक्सिमम पे हो दूसरा मिनिमम पे हो, एक मैक्सिमम पे हो एब्सोल्यूट पे पहुंच गया लेकिन दूसरा भी मिनिमम यानी कि मीन पे ही है, तो इन दोनों के बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं 90 डिग्री का फेज डिफरेंस। जब तुम अल्टरनेटिंग करंट करोगे, एसी के क्वेश्चंस करोगे, तो तुमको वहां पे कई सर्किट में फेज डिफरेंस का वर्ड यूज करेंगे। तो फेज डिफरेंस क्या होता है, साइन इंडिकेटर का एंगल, उसकी पोजीशन बताने का एक तरीका है। सेम फेज का मतलब ये है कि बिल्कुल दोनों पार्टिकल, या पार्टिकल के साथ साथ, अब मैं तुमको बोलूं पार्टिकल के मोशन के साथ साथ अल्टरनेटिंग सर्किट में जो करंट होती है, वोल्टेज होती है, बात बताऊंगा, वो भी इसी टाइप की साइनोसॉइडल क्वांटिटी होती है, और साइनोसॉइडल क्वांटिटी मतलब फेजर क्वांटिटी, इस टाइप की क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं फेजर। ऐसी सारी चीजें जो साइन के टर्म्स में, कॉस के टर्म में लिखी जा सकती है, क्योंकि साइन कॉस का आइडेंटिकल है भाई, जो चीज साइन में लिखी जा सकती है वो कॉस में लिखी जा सकती है, जो चीज कॉस में लिखी जा सकती है वो साइन में लिखी जा सकती है, साइन 90 प्लस सीटा कॉस सीटा, कॉस 90 प्लस सीटा माइनस साइन सीटा, साइन और कॉस में इंटरचेंजेबल होते हैं। अब अगर साइन कॉस इंटरचेंजेबल है तो दोनों को एक कॉमन नाम दे दो साइनोसॉइडल फंक्शन। आगे साइनोसॉइडल फंक्शन में जो एंगल होगा उसको नाम दे दो फेज, और ऐसी हर चीज जो फेज के टर्म्स में रिप्रेजेंट की जा सके, साइनोसॉइडल फंक्शन के टर्म में रिप्रेजेंट की जा सके, वो फेज है होती। और अब मैं तुमको एक जनरल चीज बताने आ रहा हूं, इस दुनिया में हर चीज जो वेव के टर्म में रिप्रेजेंट की जाती है, वेव 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 के टर्म में, जैसे कि वेव के टर्म में क्या, साउंड वेव, मैंने बोला साउंड वेव, मैंने स्ट्रिंग को जर्क दिया स्ट्रिंग में वेव, मैंने गिटार की स्ट्रिंग को स्ट्रक किया गिटार की स्ट्रिंग में वेव चल रही है, एनी वेव, मैंने रिपल पे, मैंने स्टोर मार के रिपल प्रोड्यूस की, मैंने तबले की जो मेम्ब्रेन है उसको हिट किया, तबले की मेम्ब्रेन को हिट किया, जितनी भी वेव्स प्रोड्यूस होती है, साउंड वेव, लाइट वेव, क्योंकि 12th में क्लास 12 की फिजिक्स में ऑप्टिक्स भी पढ़ोगे, ऑप्टिक्स में लाइट वेव पढ़ोगे, जितनी भी वेव्स होती हैं, चाहे वो साउंड वेव हो, चाहे लाइट वेव हो, चाहे क्लास 11 में SHM था,
ऑसिलेशन था, किसी पेंडुलम का मोशन हो, एक तुम्हारा रेजोनेंस कॉलम पड़ा होगा, सोनोमीटर पड़ा होगा, इन सब में जो वेव होती है दे मे बी रिटन एज ईदर सिंपल साइनोसॉइडल पल्सेस और समेशन ऑफ साइनोसॉइडल पल्सेस sin theta plus sin 3 theta, sin t plus sin 3 t plus sin 5 t, multiple sinusoidal function का sum. Waves हमेशा sinusoidal यानी कि phasor sum के form में लिखी जाती हैं और alternating current और voltage में आके मैं बातें क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि AC current भी एक wave की तरह चलती है. एक बार right में तो एक बार left में. Right में जीरो से मैक्सिमम टू जीरो, लेफ्ट में तो हम माइनस से दिखाएंगे जीरो टू मैक्सिमम, जीरो टू रिवर्स मैक्सिमम, फिर अगेन जीरो, फिर राइट में जीरो टू मैक्स, मैक्स टू जीरो, लेफ्ट में जीरो टू माइनस वाला मैक्स, फिर अगेन जीरो. एसी करंट, एसी वोल्टेज हमारे बैटरी के डीसी करंट, डीसी वोल्टेज की तरह नहीं होते. एसी करंट वोल्टेज वेव की तरह होते, इसलिए एसी करंट वोल्टेज भी साइनोसॉइडल फंक्शंस के टर्म में, फेजर के टर्म में रिप्रेजेंट होता है. एसएचएम में फेजर के टर्म में, वेव्स में साउंड भी वेव्स में फेजर के टर्म में, लाइट जब पड़ोगे ऑप्टिक्स में वो भी फेजर के टर्म में. एवरीथिंग व्हिच चेंजेस पीरियोडिकली इन वेवी नेचर इज रिटन इन टर्म्स ऑफ फेजर्स. फेजर्स के जनरल साइनोसॉइडल फंक्शन होते हैं. अगर उसमें y इक्वल टू a sin x बाहर मल्टीप्लाई करोगे तो वो एम्पलीट्यूड चेंज है, तो वो एम्पलीट्यूड चेंज है. लेकिन अगर तुमने अंदर आओ y इक्वल टू sin देख लेते y इक्वल टू sin x प्लस y या माइनस y, अंदर का एंगल चेंज करोगे इसको हम लोग बोलते हैं k डिफरेंस कर दिया, k डिफरेंस कर दिया, या इसको बोलेंगे फेस शिफ्ट कर दिया. तो इससे एम्पलीट्यूड नहीं बदलता, अंदर कुछ भी करो कितना भी तुम कर लो प्लस माइनस, उससे एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता, उससे फेस चेंज होता है. और फेस चेंज का मतलब ये यहाँ पे 90 डिग्री का फेस डिफरेंस है. जब जीरो था तो मैक्स, जब मैक्स है तो जीरो. जो मैक्सिमम मिनिमा वाली रिलेशन है, एक मिनिमम तो दूसरा मैक्सिमम, इसको हम लोग आज के बाद से बोलेंगे 90 डिग्री फेज डिफरेंस. बोलो विनायक, अंजनी, प्रांजल, 90 डिग्री फेज डिफरेंस क्या होता है? सर मैक्सिमा और मिनिमा के बीच का जो डिफरेंस रहता है 90 डिग्री का, वो है. तो फेज का मतलब इधर बोथ लेफ्टवर्ड, इधर बोथ राइटवर्ड, सेम सेम पोजीशन, सेम वेलोसिटी, एवरीथिंग सेम, सेम फेज, जीरो डिग्री का फेज डिफरेंस. 180 का फेज डिफरेंस क्या होता है? ऐसा क्या है? एक उसी पोजीशन से राइट, दूसरा पोजीशन से लेफ्ट. तो अगर मैं तुमको बोलूं बाद में जाके इस चैप्टर में कि एक एसी सर्किट है उसमें करंट और वोल्टेज के बीच में जीरो डिग्री का फेज डिफरेंस है, तो इसका मतलब ये है कि जब करंट जीरो तो वोल्टेज जीरो, जब करंट मैक्सिमम तो वोल्टेज मैक्सिमम, करंट जीरो तो वोल्टेज जीरो, सेम थिंग ऐसे चलेगी. करंट वोल्टेज बिल्कुल एक दूसरे की मिरर इमेज, जीरो डिग्री का फेज डिफरेंस. अगर मैं बोलूं करंट और वोल्टेज में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का फेज डिफरेंस का मतलब क्या हुआ? मान लो करंट 90 डिग्री आगे है, तो करंट 90 डिग्री, वोल्टेज अभी जीरो है, करंट मैक्सिमम. जब वोल्टेज वोल्टेज अभी जीरो है, करंट मैक्सिमम, जब करंट जीरो पहुंच गई तो वोल्टेज मैक्सिमम. फिर ये देखो रिवर्स में मैक्सिमम तो ये जीरो. तो जो मैक्सिमम मिनिमम वाला रिलेशन होता है इसको बोलते हैं 90 डिग्री. 180 डिग्री मान लो मैं तुमसे बोलूंगी एक एसी सर्किट में करंट और वोल्टेज के बीच में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है. इसका मतलब होगा कि करंट अगर राइट बढ़े तो एसी का वोल्टेज, अब तुम बोलोगे कि करंट और वोल्टेज वेक्टर क्वांटिटी कब से होगा जो डायरेक्शन बता रहे हैं, यहाँ पे मैथमेटिकल मीनिंग की बात चल रही है भाई. एक सर्किट में करंट क्लॉक और एंटी क्लॉक पे चली सकती है ना, उसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव के सर्किट में बता सकते हो ना, उस मैथमेटिकल वैल्यू की बात करो. क्लॉक है तो प्लस की, एंटी क्लॉक है तो माइनस, क्या एंटी क्लॉक प्लस मान लो क्लॉक माइनस मान लो,
तो अगर तुम्हारा किसी सर्किट में करंट जा रही है पॉजिटिव बिल्डअप हो रही है और वोल्टेज जा रहा है माइनस, उसका अपोजिट चल रहा है, वैसे जीरो में जीरो करंट मैक्सिमम तो वोल्टेज मैक्सिमम पर अपोजिट चल, फिर ये जीरो तो ये जीरो और फिर ये इधर, ऐसा इसको बोलते हैं 180 डिग्री फेज डिफरेंस। कितने डिग्री का फेज डिफरेंस? 180 डिग्री का फेज डिफरेंस, ठीक। तो अब ये जो तुम्हारा बीच का एंगल चेंज होता है ये फेज डिफरेंस का है। और एक्सप्लोर करते हैं, बाकी बच्चे को बाहर निकाल दूं, क्लास में नहीं है तो कैमरा किसका नहीं ऑन है? आदित्य, सृष्टि, कैमरा ऑन कर लो। वाई इज इक्वल टू साइन एक्स सर, वाई इज इक्वल टू साइन जीरो पे जीरो 90 पे वन वाला, अगर तुम y इक्वल टू sin x प्लस y टू करोगे तो अभी मैंने बताया था कि 0 पे 90 से स्टार्ट, ये वाला। और तुम बोल सकते हो कि cos x का फंक्शन है, तो सही में cos x का फंक्शन है, sin 90 पे सीधा cos थीटा होता है, cos x का फंक्शन तो आने ही आना। अब आ जाओ x sin x में इसका वेक्टर 0 पे माइनस का वेक्टर से स्टार्ट, यानी कि sin माइनस 90, sin माइनस 90, sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा माइनस 1 से स्टार्ट। एक जब 90 जाओगे तो 90 माइनस 90 जीरो का है, 180 जाओगे तो 180 माइनस 90 90 ही लगेगा, 270 माइनस 90 180 की वैल्यू देगा, उसके बाद रिपीट। अब देखो डिफरेंस क्या है, इसको पूरा करो, इसको पूरा, ये वाला भी ओरिजिनल से 90 डिग्री का डिफरेंस है, ये देखो 90 डिग्री, इसको 90 डिग्री की वैल्यू ज्यादा से स्टार्ट, ये वाला भी ओरिजिनल से 90 डिग्री का डिफरेंस कर रहा है, बट ये कैसे डिफरेंस कर रहा है? इसको तुमने 90 डिग्री लेफ्ट खींचा, लेफ्ट शिफ्ट किया, इस वाले को आपने इंटेलिजेंस साइन एक्स पर इस वाले को ये देखो, ये साइन एक्स है, ये साइन एक्स है पूरा। अगर तुमने ये वाला बनाना चाहिए जो मैं यहां पे बना रहा हूं, तो इसको इधर शिफ्ट करें, इसको मैंने लेफ्ट वर्ड शिफ्ट किया था, इसको आपने करने के लिए मुझे राइट वर्ड शिफ्ट करना, ये राइट वर्ड शिफ्ट करोगे तो यहां से ये वाला यहां पे आ जाएगा 90 डिग्री यहां, और इसको मैंने शिफ्ट किया था लेफ्ट पर। अब मैं तुमको बताने के लिए आ रहा हूं, अगर मैं यहां पे 90 ना रखता, 30 रखता, 60 रखता, 45 रखता, 120 रखता, एनी अदर एंगल रखता, तो इन जनरल y इक्वल टू sin x plus y या sin x minus y जब भी आते हैं तो तुमने एम्पलीट्यूड डबल किया, बट ये ग्राफ शिफ्ट हो जाते हैं जब प्लस फाइव आता है, जैसे यहाँ पे प्लस फाइव तो ये ग्राफ लेफ्ट और शिफ्ट होते हैं, जब माइनस फाइव आता है तो ये ग्राफ राइट और शिफ्ट होते हैं, उल्टा, प्लस वाले पे लेफ्ट शिफ्ट, माइनस वाले पे राइट शिफ्ट। साइन एक्स प्लस फाइव बाई टू करना होगा तो लेफ्ट शिफ्ट करो, साइन एक्स माइनस फाइव बाई टू करना होगा जो कि माइनस है तो राइट वर्ड शिफ्ट करोगे। कितने डिग्री शिफ्ट करोगे? जितना का फेज चेंज किया होगा, यहाँ पे 90 था 90 किया, 30 का अगर किया होगा तो 30 डिग्री करते साइन एक्स प्लस 30 में, तो वहां पे जीरो की भैया 30 डिग्री से स्टार्ट होती इनिशियल वैल्यू, 120 किया होता तो 120 से स्टार्ट करते, तो जितना शिफ्ट करते हो उसको बोलते हैं फेज डिफरेंस, फेज शिफ्ट, फेज चेंज, तीनों मीनिंग एक ही, फेज डिफरेंस, फेज चेंज, फेज शिफ्ट, ग्राफ को मूव कराना। यस सर। मान लो मैं दो दो चीजें कर रहा हूं एक साथ, दोनों चीजें एक साथ कर रहा हूं,
यहाँ पे मैं रिमूव y इक्वल टू a, यहाँ पे जो मैं y इक्वल टू a साइन और यहाँ पे मैं रिमूव t प्लस माइनस फाइव, तो इसका मतलब होगा कि ये अभी भी एक डेरिवेटिव फंक्शन है, अभी भी एक डेरिवेटिव फंक्शन है, अभी भी इसका अब इसका लेकिन एम्पलीट्यूड वन ना होगी a, और इसमें जो इनिशियल इसकी इनिशियल पे y इनिशियल पे इसको जीरो पे जो बन जाए वो इनिशियल पे, अब इस ग्राफ में तुमने पाई डिग्री की पाई मतलब यहां पे ये वैल्यू आ रही है साइन पाई की वैल्यू पी जीरो रखो तो साइन पाई की, इसमें पाई का फेज चेंज आया है, पाई का फेज चेंज या फेज ओरिजिनल से देखो ये ओरिजिनल तो साइन जीरो की वैल्यू थी, यहां पे पी जीरो रखो तो साइन पाई की वैल्यू पाई ये वैल्यू है ना वो साइन पाई की पी जीरो रखने पे साइन पाई की वैल्यू, जब ये तो जीरो देगा साइन फाइ को हम लोग क्या करेंगे कि वहां एक इसको ऐसे मिल करो कि फाइ एक एंगल है जिस पे ये वैल्यू साइन फाइ आ कि फाइ के लिए 0 ए 90 ए फिर 180 आएगा फिर यहां पे 270 है फाइ एक फेज उसके पार्टी के चेंज होने की फाइ एक फेज तो 0 से फाइ तक चलने में फाइ का फेज चेंज आ गया ठीक, और आगे बढ़ते हैं इसको इसको फाइनल कंक्लूजन की तरफ ले जा और फाइनल कंक्लूजन की तरफ लाते लाते हमको कुछ चीजें और क्लियर हो जाएंगी। मान लो मैं y इक्वल टू sin t की बजाय y इक्वल टू sin 2t में इस बार मैं अंदर प्लस माइनस भी नहीं करता, बाहर मल्टीप्लाई भी नहीं कर रहा, अंदर मल्टीप्लाई कर रहा, y इक्वल टू sin 2t तो क्या होगा? जीरो पे जीरो पक्का है, जीरो पे जीरो 90 डिग्री के यहां पे अगर 90 डिग्री रखें 90 से पहले काम करते 45 रख के पहले नहीं रख रहे थे अब जरूरत है, अगर मैं यहां पे 45 रखूंगा तो 45 टू जो 90 ये 90 डिग्री की वैल्यू देगा इसलिए साइन 90 बन गया, मैं यहां पे टी की वैल्यू 90 रखूंगा नहीं पाई पाई की तो पाई बाय 2 एंगल पे पाई बाय 2 इनटू मल्टीप्लाई हो ये sin पाई की वैल्यू sin पाई यानी sin 180 sin 180 की वैल्यू 0, इसी तरीके से मैं जब मैं 3 पाई बाय 4 135 3 पाई बाय 4 इनटू 2 2 से कटा 3 पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 93 जा 270 270 की वैल्यू माइनस अगर मैं यहां पे पाई रखूंगा तो ये sin 2 पाई देगा sin 2 पाई 0 और इसके बाद जो है वो फिर से वैल्यू रिपीट है एम 2 का कोई बाकी पड़ा एक यहां पे तो अगर है 45 रखो भी तो sin 90 की वैल्यू बन जाती है, तो ये अंदर वाला टू क्या है, अंदर वाले टू से एम 2 को कोई फर्क नहीं पड़ा, अंदर वाले टू से फेज के लिए कोई फर्क नहीं पड़ा, फेज की तो वैसे ही चल रही है जैसे ओरिजिनल चल रही थी, जब 0 तो 0 जब मैक्सिमम तो मैक्सिमम फिर 0 तो फिर 0 अगर साइन थ्री होता तो इसका टाइम पीरियड आता है 2π/3, अगर साइन 10t आता तो आता 2π/10, अगर साइन एन टी या ओमेगा टी करते हैं साइन ओमेगा टी करते हैं ओमेगा एक नंबर है 2, 3, 5, 10 एनी रैंडम नंबर तो टाइम पीरियड कितना आना चाहिए, अगर 2t था तो 2π/2, 3t था तो 2π/3, तो अगर साइन ओमेगा टी है तो टाइम पीरियड कितना लिखे 2π/ओमेगा कितना लिखेंगे बोलो टाइम पीरियड 2π/ओमेगा ओमेगा एक नंबर है ओमेगा एक नंबर है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस ओमेगा एक पॉजिटिव नंबर है, अब मुझे ये बताओ साइन ओमेगा टी टी टू बाय ओमेगा टी टाइम पीरियड
बचपन से पढ़ते आ रहे हैं टाइम पीरियड के इनवर्स को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं टाइम पीरियड के इनवर्स को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड क्यों बोलते हैं कि अगर कोई पार्टी 3 सेकंड में एक सर्किल कंप्लीट करे तो 1 सेकंड में 1/3 सर्किल करे, या अगर कोई पार्टी हम लोग बोले कि 1/50 सेकंड में एक साइकिल कंप्लीट कर लेता है, 1/50 सेकंड में एक साइकिल, तो इसका मतलब 1 सेकंड में 50 साइकिल, 1/50 का जैसे पर, और 1 सेकंड में जितनी बार वो फंक्शन रिपीट हो, यूनिट टाइम में जितनी बार साइकिल कंप्लीट हो, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो अगर टाइम पीरियड यहाँ पे तुम्हारा साइकिल पीरियड नहीं कर दिया, टाइम पीरियड तुम्हारे ओमेगा लिखा है, वो टाइम पीरियड का इनवर्स है, टाइम पीरियड का इनवर्स है, तो क्या आप लोग ओमेगा का नाम फ्रीक्वेंसी रख सकते हैं, टाइम पीरियड का इनवर्स है तो फ्रीक्वेंसी रख सकते हैं। और अगर मैं ये बोल दूं कि 2π का मैं एंगल और यहां पे इसको एंगल के नाम से लिख रहा है, तो इसको मैं नाम दे दूं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा का नाम एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्यों पड़ा, मैं उसका रीजन बता रहा था, क्योंकि ये देखो टाइम पीरियड का इनवर्स है, और यहां पे अगर रेडियन में रखोगे तो इसको भी रेडियन में तुम्हारा रेडियन पर सेकंड में करना पड़ेगा, इससे 2 π/s यहां पे बचे। सर्किल में तुम लोगों ने पढ़ा था कि ऐसे रेडियन पर सेकंड को एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, पर यहां पे ये वेलोसिटी नहीं है, फ्रीक्वेंसी है, दैट्स व्हाई हमने इसके नॉमेनक्लेचर में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया और इसको एंगुलर वेलोसिटी बोलने की बजाय एंगुलर फ्रीक्वेंसी का नाम दे दिया। और टाइम पीरियड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का रिलेशन तुम्हारे सामने है, T=2π/ω। तो अब हमने सारा जो अब तक पढ़ा उसको एक साथ सर 180 डिग्री फेज डिफरेंस किसको बोलते हैं, फिर से बता दीजिए। 180 डिग्री फेज डिफरेंस किसे बोलते हैं सर, फिर से बता दीजिए साइन एक्स से ग्राफ से। साइनस में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस कौन बता रहा हूँ, 180 भी बता रहा हूँ, 90 भी बता रहा हूँ, 0 भी बता रहा हूँ। 0 डिग्री का फेज डिफरेंस मतलब एज इट इज, ये 0 पहला, दूसरा वाला 90 डिग्री का फेज डिफरेंस दो टाइप का होता है, या तो 90 डिग्री आगे या तो 90 डिग्री पीछे। अगर 90 डिग्री आगे या साइन एक्स प्लस वाई ऐसा लिखा तो हम उसको बोलेंगे दिस फेज इज लीडिंग, आगे लीड कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, लीड कर। अगर यहां पे लिखा है साइन एक्स माइनस तो पीछे चल रहा है, हम उसको बोलेंगे फेज इज लैगिंग, पीछे लैग, लैग मतलब पीछे, लीड मतलब आगे, लीडर आगे आगे चले, लीडिंग मतलब आगे फ्रंट फॉरवर्ड, तो साइन एक्स माइनस वाई करेंगे तो लैगिंग। तो अब देखो अभी मैंने तुमको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर साइन एक्स प्लस 90 तो ग्राफ 90 डिग्री पीछे शिफ्ट हो जाता है, पीछे शिफ्ट होने का मतलब यहां से ये, और इसी तरह साइन एक्स माइनस 90 मैंने बताया था कि ये 90 इससे कंपेयर करो 0 मैक्स, मैक्स 0, 0 नेगेटिव मैक्स। अब लास्ट वाला अगर 180 डिग्री का फेज तो 180 ये देखो ये 0 है ये 90 ये 180, अगर इस ग्राफ को पकड़ के 180 पीछे खिसका दोगे, अगर इस ग्राफ को 180 पे पकड़ के पीछे खिसका दोगे तो कहां से स्टार्ट होगा, ए से, बी से, सी से, सी से 180 खिसका दोगे ए से बी से कि सी से, सर सी, सी से स्टार्ट होगा, बस सी से स्टार्ट, सी से स्टार्ट होगा, ठीक है। जय होता है 180 डिग्री का फेज, 0 पे 0 ये मैक्स तो ये भी मैक्स, लेकिन ये वाला मैक्स था पॉजिटिव मैक्स, ये वाला मैक्स है नेगेटिव मैक्स,
अगेन 0 पे 0 लेकिन अब ये देखो नेगेटिव मैक्स है तो कॉस टू मैक्स तो डाल डाल में पार पार तुम आगे चलो तो मैं पीछे चलूं तुम लेफ्ट चलो तो मैं राइट चलूं तुम राइट चलो तो मैं लेफ्ट चलूं ये वाला मैं बोलूं पढ़ो तो तुम ना पढ़ो किताब बंद कर दो मैं बोलूं वीडियो ऑन करो तुम वीडियो ऑफ कर दो मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछूं तो बजाय बताने के तुम छिपके निकल लो वीडियो ऑफ करके मैं जब बोलूं कि चुप रहना है तो उस समय तुम बीच बीच में कुछ कुछ बोलते रहो चपड़ 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 कुछ बोलते रहो ये जो अपोजिट वाला मामला होता है इसको बोलते हैं 180 डिग्री का फेज डिफरेंस 180 डिग्री का फेज डिफरेंस मतलब उल्टा चलना ये मैक्स तो ये मैक्स बट ये पॉजिटिव नहीं नेगेटिव जब ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव जब ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव इसको बोलते हैं 180 डिग्री का फेज जितने का फेज डिफरेंस जितने का सही ग्राफ होता है मुझे बताओ 180 डिग्री का फेज डिफरेंस 180 डिग्री 90 और 180 के बीच में कुछ होता है अब 120 डिग्री का होना चाहिए उस ग्राफ पर 120 फिर से 120 डिग्री वाले ग्राफ आते हैं इसी तरह और बोले ऐसे करो और ये 120 मिले यहां पे 120 यहां से स्टार्ट हो रहा है sin 120 sin 60 √3/2 यहां पे √3/2 वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है मतलब नहीं करता मतलब 120 जितने का फेज डिफरेंस चाहिए उतना निकाल सकते बोले सुनने ग्राफ को शिफ्ट करते चला जाना है पूछा था 180 डिग्री फेज डिफरेंस उसको समझ में आया यस सर आ गया आ गया अब यहाँ पे मैं कंक्लूजन लिखवा रहा हूं कि अगर मेरे पास एक फंक्शन है y equal to a sin omega t plus minus 1. Is it a function? Is it this function sinusoidal? Yes or no? Yes, sir. Is it yes, this function sinusoidal? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Sinusoidal hai. Mere saath 0 degree ka phase difference rakho. अगर मैं पूछ रहा हूं तो बताओ इसमें साइनोसॉइडल है इसमें तो कोई डाउट ही नहीं साइनोसॉइडल है तो इसका एम्पलीट्यूड कितना है बात है कि ए फिर ए इसका एम्पलीट्यूड ए ए है इसकी फेस क्या है फिर से बोल रहा हूं फेस साइन के भीटर एंगल को बोल रहा हूं प्लस माइनस 5 तो इसमें फेज ना 2 पाई है ना t है ना 5 बाई 2 है इसकी फेज पूरा एंगल है जब चाहिए t इक्वल टू 1 सेकंड पे चाहिए तो t वन रखो 2 पाई माइनस 5 बाई 2 t इक्वल टू 2 सेकंड पे चाहिए तो 2 रखो 4 पाई माइनस 5 बाई 2 t इक्वल टू 3 सेकंड पे चाहिए तो 2 पाई टू 3 6 पाई माइनस 5 बाई 2 4 सेकंड पे चाहिए तो 2 पाई टू 4 8 पाई माइनस 5 बाई 2 उस मोमेंट की फेज आ जाएगी फेस टाइम के इस एंगल तो मुझे ये बताओ यहाँ पे फेस क्या है तो ओमेगा टी प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव बाय गुड भी नहीं है साइन थर्टी साइन थर्टी एंगल तो है ना साइन के भीतर क्या होगा भाई साइन क्या होगा साइन इस एंगल का तो निकालोगे एंगल को ही फेस हो एंगल को फेस अब इस फेस में दो चीजें एक ओमेगा टी और एक फाइव ओमेगा टी और फाइव अभी मैंने तुमको बताया कि जो ओमेगा टी यहाँ पे वेरिएबल टाइम अगर ओमेगा ना लिखा होता सिर्फ टी लिखा होता तो सारे डिस्पेंशन का टाइम पीरियड 2 पाई लेकिन अब ओमेगा टी कर देने से क्या डिस्पेंशन का टाइम पीरियड अभी भी 2 पाई होगा नहीं 2 पाई बाय ओमेगा 2 पाई बाय ओमेगा 2 पाई बाय ओमेगा अभी भी डिस्पेंशन का टाइम पीरियड 2 पाई होगा अगर क्या 2 पाई बाय ओमेगा होगा 2 पाई बाय ओमेगा 2 पाई बाय ओमेगा 2 पाई बाय ओमेगा एंप्लीट्यूड ए 3 ओमेगा डी प्लस 5 उसमें 5 क्या इनिशियल फेज डिफरेंस इनिशियल
फाई के बहुत नाम, बहुत सारे नाम। यस सर। नंबर मैंने अभी इसको बोला था, इसको फेज शिफ्ट बोल दो, इसको फेज चेंज बोल दो, इसको इनिशियल फेज बोल सकते, जो बोल सकते इनिशियल फेज, क्योंकि अगर हम फेज में टी की वैल्यू जीरो रखते, अगर टी की वैल्यू जीरो मतलब टाइम फुल जीरो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, सबसे पहले क्या था, सबसे पहले क्या था, तो क्या था पहले, पाई, सबसे पहले t इक्वल टू जीरो रखोगे तो सिर्फ पाई तो था, फेस के नाम पे, फेस के नाम पे पूरा फेस है, पाई का कांस्टेंट है, जैसे पाई बाय 2 बचा बैठ, उसमें t जीरो रखो ये नाम जीरो हो गया, तो सिर्फ पाई बाय 2 बचा, पाई बाय 2 कांस्टेंट है, इसीलिए इसको इनिशियल फेस कहते हैं। और एक और चीज बताऊं, टाइम अगर बदलेगा तो ये चीज बदले, टाइम अगर बदलेगा ये चीज बदले, बट ये नहीं बदलेगा, ये तो पाई बाय 2 का कंप्लीट नंबर है, इसलिए इसका एक और नाम है, इसको फेज कांस्टेंट की बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फेज कांस्टेंट एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड फेज शिफ्ट इनिशियल फेज फेज कांस्टेंट। एक और चीज, अगर प्लस लिखा हुआ है तो इसको बोलना लीडिंग फेज, आगे बढ़ना, लीड करना, जैसे साइन थीटा और कॉस थीटा में क्या है, एक दूसरे की मिरर इमेज, आइडेंटिकल, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि जो साइन थीटा होता है साइन एक्स वो जीरो से स्टार्ट होता है, साइन जीरो जीरो, और जो कॉस वाला होता है वो कॉस जीरो की वैल्यू वन जो कि 90 डिग्री पे आती है, तो कॉस वाला साइन से 90 डिग्री आगे आगे बढ़ता है, कॉस वाला फंक्शन साइन से 90 डिग्री लीड करता है। आज के बाद से तुम बोलोगे कि जो कॉस वाला फंक्शन है वो साइन से 90 डिग्री लीड करता है, लीड करता है, समझे? लेकिन अगर साइन एक्स की जगह माइनस साइन एक्स होता, अगर साइन एक्स की जगह माइनस साइन एक्स होता तो तुमको मालूम है कि माइनस साइन एक्स, जब जब साइन एक्स पॉजिटिव तो माइनस साइन एक्स नेगेटिव, जब साइन एक्स नेगेटिव तो माइनस साइन एक्स उसका अपोजिट होने से पॉजिटिव, तो उसको क्या जीरो का फेज डिफरेंस बोलते हैं, या उसको 90 का फेज डिफरेंस बोलते हैं, या उसको 180 का फेज डिफरेंस बोलते हैं, 180 का 180 फेज डिफरेंस बोलोगे, उसको 180 डिग्री का फेज डिफरेंस बोलोगे, समझ में आया? तो साइन एक्स में अगर तुम्हें 90 डिग्री फेज डिफरेंस चाहिए तो उसको बोल दो कॉस एक्स है, कॉस एक्स में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस चाहिए तो उसको माइनस साइन एक्स हो जाएगा, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, अगर तुम्हें साइन एक्स से 180 डिग्री का फेज डिफरेंस देखना है तो माइनस साइन एक्स कर दो जस्ट अपोजिट। तो वैसे भी एक बार बताओ कि माइनस साइन एक्स साइन 180 पे सीधा माइनस साइन थीटा नहीं होता, साइन 180 प्लस थीटा, यस साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है ना, तो इसका मतलब ये है कि तुमने 180 डिग्री का फेज डिफरेंस ला दिया, तो साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, जो मैं माइनस साइन थीटा बोल रहा था वो थीटा से 180 डिग्री आगे लीड कर रहा है, क्या कर रहा है, लीड। तो अब ये तुम्हारा समझ में आ गया कि लीडिंग क्या होता है, माइनस है तो उसको लैग बोलते हैं, पीछे खींचना बोलते हैं, तो मैंने ये भी बताया था कि जब जब प्लस होता है तो ग्राफ लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है, जब माइनस होता है तो ग्राफ राइट वर्ड शिफ्ट होता है, राइट वर्ड शिफ्ट। तो मान लो ये तुम्हारे पास अल्टरनेटिंग करंट के लिए I इक्वल टू P साइन, सर उधर का बोर्ड माइनस बोर्ड करंट, लाइन के उधर मत लिखिए सर, जो लाइन आपने बनाई है ना उसके इधर ही लिखिए, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में मत लिखिए, विजिबल नहीं, दिख नहीं रहा क्या, दिख नहीं रहा,
अरे मतलब जो आपने बोर्ड पे एक लाइन बनाई है ना उसके राइट साइड लिखिए, आएंगे लेफ्ट नहीं दिख रहा नो 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 सर। अच्छा चलो पहले ये काम करो, फिर कॉपी भी एक लोड करो, फिर मैं आता हूँ। ये लिखिए देखो ये फंक्शन है y इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस माइनस फाइव। अबे लिख लो, अबे देखो ये पे फंक्शन है y इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस माइनस फाइव। देन अभी सारी चीजें नीचे लिखो, a इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, a इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड वुड बी टू पाई बाय ओमेगा, टाइम पीरियड वुड बी टू पाई बाय ओमेगा। Phi is for phase shift or initial phase or phase constant. Govind, likh lo. Phi is for phase shift or initial phase or phase constant. फिर एरो बना के लिख लो कि पाई इज हैविंग प्लस साइन, प्रीफिक्स पाई प्लस साइन पॉजिटिव साइन, देन इट इज कॉल्ड लीडिंग फेज। लीडिंग फेज के ब्रैकेट में लिखना लेफ्ट वर्ड से, लीडिंग फेज के ब्रैकेट में लिखना लेफ्ट वर्ड से, लीडिंग फेज के ब्रैकेट में लिखना लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। लिखा? यस। माइनस साइन, फाई का साइन माइनस है तो लिखना लैगिंग फेज, लैगिंग फेज। और उसके ब्रैकेट में लिखना राइट वर्ड शिफ्ट, राइट वर्ड शिफ्ट। देखिए यस सर। हेलो सर, क्या रह गया बताओ? सर कॉस एक्स, हाँ बोलो मोहम्मद सर, कॉस एक्स और माइनस कॉस एक्स लीडिंग फेज हो गया या लैगिंग? माइनस कॉस एक्स का अगर आपस में पूछोगे तो माइनस साइन लग जाना है, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस। और कॉस एक्स और माइनस कॉस एक्स अगर साइन एक्स से पूछोगे तो अलग बात है, बट तुम दो फंक्शन दे रहे हो और आपस में कंपेयर कर रहे हो, जहां पे माइनस लग गया जब कॉस एक्स कॉस टू, माइनस कॉस एक्स नेगेटिव, जब cos x नेगेटिव तो माइनस cos x cos 2, तो वो आपस में हमेशा 180 डिग्री का फेज डिफरेंस रखते हैं, हमेशा इक्वल एंड अपोजिट जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, वो 180 डिग्री की तरह काम करती है, फेज की लैंग्वेज में 180 डिग्री होती है। अब मैं तुमको एक क्वेश्चन देने जा रहा था, अभी तुम्हें नहीं पता है कि अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज होता क्या है, लेकिन मान लो एक सर्किट में करंट लिख लो I equal to 3 sin
अब मुझे ये बताओ, सबसे पहली चीज क्या इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो? क्या इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो? यस सर, नो? यस सर। मोहम्मद कर सकते? yes. इसान? yes. कर सकते हो? yes, सब मुश्किल होगा, लेकिन अगर वैल्यूज कर ले तो शायद बन जाए। अभी जो पढ़ाया उसे मैं तुमको हिंट दे रहा हूँ, एमबीयूसी टाइम पीरियड माइनस फाइव बाई टू, इसमें ग्राफ जब जीरो पे आएगा, साइन जीरो, जीरो से ना स्टार्ट करना, माइनस 90 से स्टार्ट करना, 90 डिग्री की शिफ्ट दे देना, माइनस होने से राइट की तरफ शिफ्ट कर देना, साइन का फंक्शन बनाओ और राइट की तरफ शिफ्ट कर दो। अब ट्राई करो जरा कॉपी पे। ऋषभ, गौरव बत्ता? हाँ सर, ट्राई कर रहा हूँ। काव्या, काव्या बना सकती हो ग्राफ? यस सर, यस सर। यस, सुहानी? यस सर। बनाओ, जल्दी से बताओ मुझे, और फिर मैं एक मेरे बोर्ड बना रहा हूँ, उससे मैच कर। यस 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 सर। कुछ ऐसा ग्राफ बनना है? यस सर, यस यस, यही बनना है। बनना ये ग्राफ? यही बनना है। यस सर, ये बनना। ईशान, ये बनना है ना? यस सर, यही बनना है। मैंने बोला था कि माइनस को राइट शिफ्ट करना, राइट शिफ्ट करना मतलब 90 डिग्री राइट, तो इसको 90 डिग्री पकड़ कर राइट शिफ्ट करो। यहां से जा, ये 90 डिग्री पकड़ के राइट शिफ्ट करो, यहां से स्टार्ट करो, तो यही सोच राइट। तो ये जो तुम्हारा फेज शिफ्टिंग है, टाइम पीरियड निकालना है, एम्पलीट्यूड निकालना है, ग्राफ बनाना है, अगर तुमको ये समझ में आ जाए तो एसी चैप्टर पूरा का पूरा समझ में आ जाए।
पूरे के पूरे एसी चैप्टर में तुम्हारी यही बेसिस करने हैं, y is equal to a sin omega t plus minus y को डील कैसे करना है। बाकी तुम्हारा रेजिस्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट, आरसी सर्किट, एलसीआर सर्किट, रेजोनेंस, ये सारी सेकेंडरी चीजें। सबसे प्राइमरी चीज होती है कि अगर a sin omega t plus minus y का फंक्शन है तो उसको डील कैसे करना। पहले तो डील तुम करोगे ग्राफिकली जो भी दिया। दूसरा डील करने का तरीका, दूसरा डील करने का तरीका है मैथमेटिकली। मैथमेटिकली कैसे डील करें? मैथमेटिकली कैसे डील करें? मान लो तुमसे इससे पूछा जाए कि e इक्वल टू जीरो के करंट के लिए, इस टाइप का क्वेश्चन तुमको बुक के मॉड्यूल में मिलेंगे। और इवन इफ तुमने एसी का एक बिट भी ना पढ़ रखा हो तब भी तुम शायद क्वेश्चन कर लो, क्या रखा है t इक्वल टू जीरो पे करंट के लिए रखते हैं। यहां पे t इक्वल टू जीरो, t जीरो रखा, 3 sin i इंटू जीरो, जीरो बचा माइनस कर रहे थे, ये बन गया 3 sin माइनस कर रहे थे sin माइनस 90, sin माइनस 90, माइनस sin 90, माइनस 1, ठीक बाहर है तो करंट की वैल्यू आ गई माइनस 3 है। अभी बाकी 5 स्टेप तो बाकी है। तो t इक्वल टू जीरो पे हमने यहाँ पे रखा तो i की वैल्यू आ गई माइनस 3। अब मुझे किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट पे करंट चाहिए, t इक्वल टू 1 पे चाहिए, t इक्वल टू 2 पे चाहिए, t इक्वल टू 3 पे चाहिए, तो यहाँ पे रख के मैं करंट की उस मोमेंट की वैल्यू निकाल सकता हूँ। और मैं ये भी देख सकता हूँ कि ये वैल्यू बाद में रिपीट करेंगे और ये उसी टाइम पीरियड के बाद रिपीट करेंगे जो कि उन्होंने निकाला था 2π/ω। तो एक तरीका टोली मैथमेटिकली डील करो साइन थीटा कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्री की जो वैल्यू तुमने फंक्शन में पड़ी थी वो करो, और दूसरा तरीका है तो उसमें एक ग्राफ बना लो। और अल्टीमेटली तुमको अगर चैप्टर को ध्यान से समझना है, उसको क्लोजली तुम्हें समझना है, तो तुम्हें दोनों की जरूरत पड़ेगी, ग्राफ बनाने की जरूरत पड़ेगी। और जो तुमने प्योर मैथमेटिक्स कर रखी साइन 150 की वैल्यू इतनी, कॉस 230 की वैल्यू इतनी, वो तुम सीधे वो भी यूज कर सकते हो, बट मीनिंग समझ जाओ। फेस सेम का क्या मतलब है, 90 डिग्री का क्या मतलब है, 180 डिग्री का क्या मतलब है, अपोजिट का क्या मतलब है, तो हम इसको डील कर सकते हैं। अब जब अगली क्लास हम मिलेंगे तो मैं तुमको ये बताऊंगा कि अल्टीमेटली y is equal to a sin omega t plus minus y का अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज से एक्चुअल लेना देना क्या है, और ऐसा क्यों होता है कि जो हमारे घरों की करंट है वो अल्टरनेट करती है। पहला तो रीजन ही अल्टरनेट क्यों करती है, उससे भी बड़ा रीजन है कि एसी करंट की जरूरत क्या है। ये सब तो मैथमेटिक्स है, अब सिंपल फिजिक्स में होगी एसी की जरूरत क्या है, एसी कर क्यों रहा है, और एसी की वजह अगर डीसी घरों में बैटरी से सप्लाई करते तो क्या दिक्कत थी, कौन सी आपत्ति टूट पड़ रही थी। ये सारी चीजें लॉजिकल जो चीजें हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप कि तुम लोगों को समझ में आया होगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। मेजर क्वांटिटीज कुछ पहले, यस सर, यस सर, ठीक, चलो अगली क्लास चलेंगे तो और अच्छे से इस पर डिस्कस करेंगे, टाइम हो गया है तो ठीक है, चलो फिर गुड नाइट। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बाय बाय सर।